हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस बी लिवॉन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ गोल्स के बारे में जो कि हम रमज़ान में सेट कर सकते हैं अपने लिए। और ये गोल्स स्पिरिचुअल और पर्सनल दोनों तरह के हो सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी जिसको आप फॉलो करके अपना जो रमज़ान का जो टाइम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत में गुजार सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं। और रमज़ान से पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही इजी, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी और आप उसे फॉलो करके एक दिन पहले भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ना आपको ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ना आपको कुछ बहुत ज़्यादा सामान मंगवाना पड़ेगा, बट आपका काम 3/4 हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ अपने रमज़ान की प्रिपरेशन करिए। और हाँ, मुझे दुआओं में ज़रूर याद कर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी अपने गोल्स की, जो इस साल मैंने रमज़ान के लिए अपने गोल्स कुछ सेट करे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मेरा हमेशा फ़र्स्ट गोल होता है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसको माफ़ कर पाऊँ और पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद मेरी फ़ज्र की नमाज़ कभी हो पाती है, कभी नहीं, तो कोशिश करूँगी कि वो टाइमली पढ़ूँ। देन उसके बाद मुझे एक कुरान शरीफ इंशाल्लाह कंप्लीट करना है पूरे मंथ में और अपनी जो रेसिटेशन है उसको इम्प्रूव करना है। और उसके बाद चैरिटी इंशाल्लाह रोज़ देनी है। और उसके बाद मुझे हेल्दी भी रहना है, मुझे अपनी दवा टाइम से लेनी है और सहरी में और रोज़ा खोलने के बाद अच्छे से मुझे हाइड्रेटेड रहना है, मुझे पानी पीना है, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। और उसके बाद जो है लास्ट मेरा गोल है वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है और अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की भी होती हैं और उसके अलावा बच्चों की होती हैं। और वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊं, आपके सामने नए नए वीडियोस लेकर आऊं और हमेशा पॉजिटिव रहूं। तो ये मेरे गोल्स हैं, आप भी इस तरह से अपने गोल्स सेट कर सकते हैं और इंशाल्लाह उन्हें पूरे मंथ में आप अचीव करने की कोशिश करिए। सो चलिए देखिए कि मैंने किचन में क्या प्रिपेयर कर रखा है, मेरी क्या प्रिपरेशन है रमज़ान को लेकर। तो मेरी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरी बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन रहती है और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी चीज़ें जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो मैं पहले बना कर रख लूँ। और मैं अपनी प्रिपरेशन यूजुअली रमज़ान के 2-3 दिन पहले से ही कर लेती हूँ और इसे करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हर चीज़ बहुत ही हैंडी हो जाती है। एंड ये बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन है एंड आपको एक एक टिप आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर और आपकी भी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी और रमज़ान बहुत अच्छे से कटेंगे। और दुआओं के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं आप, नमाज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और देखिए मैंने क्या क्या यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है। तो रमज़ान आता है तो उसके साथ साथ पकौड़े भी बनते हैं, तो ऐसा क्या करें हम कि हमें बहुत ही इजीली हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम आराम से पकौड़े बना लें। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये बेसन है, इसमें मैंने जितने भी सूखे मसाले थे वो इसमें ऐड कर और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद और बहुत अच्छे एयर टाइट डिब्बे में आपको इसे करके फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। आप इस तरह से बेसन को रख सकते हैं और बहुत ही हैंडी हो जाएगा आपको, जब भी आपको पकौड़े बनाने हैं आपने इसमें से थोड़ा सा बेसन निकालिए और पकौड़े बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने रैपर्स प्रिपेयर करे हैं, मार्केट से बहुत इजीली मिल जाते हैं बट घर पर आप बनाएंगे तो हेल्दी बनता है घर पर। यहाँ पर ये मैंने आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके ये बनाए हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। आप इससे स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, एग रोल बना सकते हैं। आप बस आप इसे किसी भी प्लास्टिक रैपर में रैप करके फ्रीज़र में रख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये बनाए हैं ब्रेड क्रम, इसमें मैंने ब्रेड ली है और उसके साथ साथ मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और इसमें पोहा भी है। बस इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है थोड़ा सा और सॉल्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में करके ये भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी कटलेट्स बनाने हो रमज़ान में, कभी दिल कर रहा है तो आप बना सकते हैं। इसके बाद ये दो तरह की मैंने ग्रीन एंड रेड चटनी भी पीस कर रखी है, आप जिस तरह की भी चटनी चाहते हैं वो पहले से ही पीस कर रख लीजिए और आराम से आप इसे फ्रिज में रखिए अच्छे से ढककर।
ये रेड और ग्रीन चटनी के साथ यहाँ पर ये मैंने ये मीठी चटनी भी बना रखी है। इसे सौंठ भी बहुत अच्छी होती है, पकोड़ों के साथ अच्छी लगती है। उसके अलावा आप फ्रूट चाट में इसे डाल सकते हैं। तो बस इसे किसी भी ग्लास जार में एयर टाइट कंटेनर में करके इसे रख लीजिए। फ्रिज में रखना होगा क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो बस ये भी आप बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये शुगर सिरप बनाकर रख रखा है। बहुत ही ईजीली और बहुत जल्दी बन जाता है। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा बनाकर रखने से कि आप किसी भी तरह का शरबत बना रहे हों तो बस आपको इसे थोड़ा सा उसमें ऐड करके मिक्स करना है। आपको शुगर मिक्स करने का झंझट नहीं होगा कि बहुत देर लगती है उसे मिक्स करने में। तो बस आप इसे बनाकर और किसी साफ़ बॉटल में, आप ग्लास की बॉटल भी ले सकते हैं या फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल आती है उसमें करके आप फ्रिज में इसे रख दीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये कोफ्ते भी पहले से ही प्रिपेयर करके रख रखे हैं बॉल्स बनाकर, और ऑयल में इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और एयर टाइट डिब्बे में बंद करके इसे मुझे फ्रीज़र में रखना है। और जब भी बस मुझे बनाना होगा मैं इसमें से निकालूंगी और ग्रेवी तैयार करूंगी और इसे डाल दूंगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये देखिए कबाब भी प्रिपेयर करके रख रखे हैं, बिल्कुल बनाकर एकदम तैयार हैं ये। बस बॉक्सेस में करके आप इन्हें रख दीजिए और फ्रीज़र में रखिएगा। और इसे स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल लगा दिया है इन कबाब के ऊपर ताकि एक दूसरे से चिपके ना। तो बस आप भी ऐसे ही रख सकते हैं बनाकर। यहाँ पर ये अनियन पेस्ट बनाकर रख रखा है और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट भी बनाकर रख रखा है। जब भी मुझे ग्रेवी बनानी होगी तो आराम से मेरा सब हर चीज़ रखी होगी फ्रिज में, मैं निकाल कर और आराम से उसे बना सकती हूँ। और इसे आप फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में करके रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ ड्राई मसाले भी पीस कर रख रखे हैं, और जिसमें चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, और उसके अलावा मैंने मस्टर्ड पाउडर भी घर पर ही बनाकर रख रखा है। आप चाहें तो इसे बाज़ार से भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं घर में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैंने ये सब बनाकर रख रखा है घर में। और इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद आई एम श्योर आपके पास बहुत टाइम होगा इबादत करने के लिए, नमाज़ें पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा दुआएं पढ़ने के लिए। तो आप इन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा इन टिप्स को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।